बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुष्मान भव के YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्रमवार रैंकिंग। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्रमवार रैंकिंग। देखिए, क्रम और रैंकिंग क्या होती है। जैसे कि आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, या किसी टीम में होते हो, तो क्या होता है कि आप अपनी एक रैंक सेट करते हो, या तो वो अप से होगी या डाउन से होगी। देखो, आप कहते हो कि मेरी ऊपर से 5वीं रैंक है। आप क्लास में पढ़ रहे हो तो कहते हो कि मेरा 5 रोल नंबर है, या कहते हो कि हमारे नीचे से 8वां नंबर है। तो क्या होता है कि इस रैंकिंग टेस्ट में यही हमें करना है कि किसी ग्रुप का, समूह का, कक्षा का, पंक्ति का क्या होता है। या तो उनकी हमें कुल संख्या निकालनी है, या हमें ऊपर से उनकी रैंक निकालनी है, या हमें नीचे से उनकी रैंक निकालनी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। देखिए, और हम लेके आए हैं आज आपको क्रमवार रैंकिंग। इसमें देखिए, हम 4 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। पहला होता है व्यक्तियों व वस्तुओं के तुलना के आधार पर रैंक। आपने देखा होगा कि श्याम राम से बड़ा है, किंतु किंतु मोहन से छोटा है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, सुने होंगे आपने ध्यान से। तो क्या हो गया कि व्यक्तियों व वस्तुओं के तुलना के आधार पर रैंक हो गई। ठीक है, और सेकेंड, एक छोर के आधार पर दूसरे छोर की रैंक याद करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया कि ऊपर से आपकी रैंक 5वीं है और कुल संख्या इतनी है, तो नीचे से रैंक क्या होगी आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। थर्ड टाइप आपका आता है दोनों छोरों की रैंक के आधार पर कुल संख्या ज्ञात करना। हमने कह दिया कि आपकी ऊपर से रैंक इतनी है, नीचे से इतनी है, तो कुल संख्या क्लास में, कक्षा में, पंक्ति में, समूह में क्या होगी, ये निकालना है। थर्ड टाइप ये हो गया, रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन। देखिए, दो व्यक्ति दिए गए होंगे, आपकी रैंक ऊपर से 5वीं या 6ठी 7वीं जो भी है, उनकी रैंक 8वीं 9वीं है। अब जब दोनों लोग आपस में जब स्थान बदल लेते हैं, तब उनकी रैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नई रैंक क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो कितने टाइप हो गए, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे किसमें आते हैं, क्रमवार रैंकिंग में आते हैं। देखिए, UP SSC के कोर्स में मैंने पढ़ाया था आपको, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, वो आपका पहला चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर क्या है आपका, क्रमवार रैंकिंग है। 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का सिलेबस है, इसमें 7 से 8 चैप्टर दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं 100%। ठीक है, और 1 नंबर तो एक चैप्टर से आना ही आना है, हो सकता है कि 2 नंबर भी आ जाए। तो और पता होगा आप लोगों को कि UP PAT की क्लास जो जो नाम एग्जाम होने वाला था, उसकी डेट क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। एक महीना और तैयारी करने के लिए मिल गया है, तो सभी लोग जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए ढंग से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज रीजनिंग में क्रमवार रैंकिंग। इसमें हम पढ़ रहे हैं 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके लिए। पहला क्या है, व्यक्तियों व वस्तुओं की तुलना के आधार पर रैंक, एक छोर के आधार पर दूसरे छोर की रैंक याद करना, दोनों छोरों के रैंक के आधार पर कुल संख्या ज्ञात करना, और चौथा है रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन। अब देखिए, फर्स्ट टाइप हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, डी ए से आगे है। डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा था। ई बी का अनुसरण कर रहा था। आगे लिखा है, बताएं कि कतार के मध्य में कौन चल रहा है। सॉरी, एक लाइन और रह गई है, सी ए और बी के बीच में था। सी ए और बी के बीच
बीच में था। देखिए, पांच व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे। डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा है था, सी ए और बी के बीच में था। तो बताइए कि मध्य में कौन है? मध्य में कौन व्यक्ति है, यानी मध्य में कौन व्यक्ति टहल रहा है, वो निकालना है आपको, ठीक है? और ये क्या हो गया, व्यक्ति या वस्तुओं के तुलना के आधार पर जी टाइप चल रहा है। तो तुलना कर रहे हैं हम, कौन तेज चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन उसका पीछे चल रहा है, कौन उससे पीछे चल रहा है, ठीक है? तो हम यहां क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करना है यहां, केवल इतना ध्यान देना है कि पांच व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। देखिए, पहला क्या है, डी ए से आगे है, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, अब डी जो है ए से आगे है, ये तो है आगे लाइन, ए पीछे है, डी आगे है, या ऐसे ऐसे कर लो इस टाइप से, ठीक है? ई बी का अनुसरण कर रहा है, यानी कि बी अनुसरण करना होता है, फॉलो कर रहा है उसे, तो बी आगे है, ई क्या है, पीछे है, तो क्या आएगा, ये कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन ये लिखी थी और दूसरी कंडीशन ये वाली हो गई। अब कह रहा है सी जो है ए और बी के बीच में था। सी कहाँ है, तो सी कहाँ आएगा, यहां पर आ गया, इधर ए है, इधर क्या है, बी है। तो अब कह रहा है मध्य में कौन था, तो देखिए चाहे ये वाली वैल्यू यहां पर हो, चाहे ये वाली वैल्यू यहां पर हो, लेकिन सी तो ए और बी के बीच में ही रहेगा, रहेगा। तो कह रहा मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन आ गया, ऑलरेडी अपने आप ही सी आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बी का अनुसरण कौन कर रहा है, ई कर रहा है, और डी ए से आगे चल रहा है, सी और ए बी के बीच में है, तो बीच में कौन आ गया, ऑलरेडी सी आ गया। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते रहिए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मिटा दें इसे, क्लियर हो गया? देखिए, आप आयुष्मान भव के YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसमें मोहन सर पढ़ा रहे हैं आपको मैथ और जीएस, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़िए, सभी लोग लाइव हो जाइए और वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, इससे आपको बहुत सारी अपडेशन मिलेंगी और नॉलेज भी भरपूर मात्रा में मिलेगी आपको, ठीक है? तो इसीलिए इन वीडियो को इग्नोर ना मारा करें, इनको कंटिन्यू देखा करें। अब देखिए सेकेंड टाइप, एक छोर के आधार पर दूसरे छोर की रैंक ज्ञात करना। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, 26 विद्यार्थियों की एक क्लास में, 26 विद्यार्थियों की एक क्लास में छब्बीस विद्यार्थी की एक क्लास में मंजू की 13वीं रैंक है। कितनी रैंक है, मंजू की 13वीं रैंक है। छब्बीस विद्यार्थियों की ये क्लास में मंजू की 13वीं रैंक है, तो उसकी पीछे से रैंक क्या होगी, तो उसकी अंतिम छोर से कह सकते हैं, तो उसकी अंतिम छोर से रैंक निकालनी है आपको है, तो उसकी अंतिम छोर से रैंक क्या होगी। 26 विद्यार्थी की ये क्लास में मंजू की 13वीं रैंक है, तो उसकी अंतिम छोर से रैंक क्या होगी निकालना है। देखिए यहां पर हमें क्या करना होता है, देखिए एक तो छोटी सी ट्रिक भी है कि अगर हमें एक रैंक दी गई है, दूसरी रैंक निकालनी है,
तो क्या करना होता है, दूसरी रैंक बराबर कुल संख्या माइनस पहली रैंक प्लस वन। दूसरी रैंक बराबर कुल संख्या माइनस पहली रैंक और प्लस वन। इसमें क्या किया मैंने, अब कुल संख्या कितनी है, 26, पहली रैंक कितनी है, 13 प्लस वन, तो 26 और 1 27, 27 में से 13 का कितना बचा, 14। तो नीचे से कौन सी रैंक होगी, 14वीं रैंक होगी। क्लियर हो गया? तो जब भी कुल विद्यार्थी दिए गए हों, एक रैंक दी गई हो, तो कुल संख्या में से एक रैंक को हम घटा देते हैं और उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो इसका आपको आंसर आपका आ जाता है। ठीक है? तो पहले में क्या कहा गया होता कि पहले में जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसको हमें फॉलो करना है और उसको पुटअप करके आंसर निकाल देना है। इसमें क्या करना है, इसमें पहले हमें उसका समझना है कॉन्सेप्ट कि 26 विद्यार्थियों की एक क्लास में मंजू की रैंक 13वीं है, तो अंतिम छोर पे क्या होगी। तो हमने क्या किया, कुल संख्या निकाल ली, उसमें से हमने एक रैंक घटा दी और उसमें प्लस वन कर दिया, हमारी दूसरी रैंक आ गई। क्लियर हो गया? यहां पर मिटा दें इसे। आप देखिए थर्ड टाइप, दोनों छोरों की रैंक के आधार पर कुल संख्या ज्ञात करना। अभी तक क्या था, कुल संख्या दी, एक रैंक दे दी, हम दूसरी रैंक निकाल ली। अब दो रैंक दी गई होंगी, जैसे क्वेश्चन आपका है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक कक्षा में बीजू ऊपर से आठवां, सॉरी, एक कक्षा में बिल्लू की ऊपर से आठवीं तथा नीचे से 29वीं रैंक है। एक कक्षा में बिल्लू की ऊपर से आठवीं तथा नीचे से 28वीं रैंक है, तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, आपको विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे बताइए, आप पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन तो इजी है, पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार करना है और आपको पैड में क्वेश्चनों को लगाना है। ध्यान से दीजिए और देखिए, प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और उस प्रैक्टिस सेट को आप घर पे कीजिए। देखिए बगैर प्रैक्टिस के आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होना है, और आप वीडियो को इग्नोर मार रहे हैं तो ये भी नुकसान आप अपना स्वयं कर रहे हैं। ठीक है? तो वीडियो को इग्नोर नहीं मानना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और फिर उसी के आधार पर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं। बुक्स कोई सी ले लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है? फिर आप किसी भी राइटर की कोई बुक उठा लीजिए, पैटर्न सबका सेम ही होता है। ठीक है? आगे देखिए, एक कक्षा में बिल्लू की ऊपर से 8वीं तथा नीचे से 28वीं रैंक है, तो कुल संख्या कितनी होगी। बुझा है? तो देखिए क्या होता है, कुल संख्या निकालना हो, कुल संख्या निकालनी हो तो क्या करना होता है, पहली रैंक प्लस दूसरी रैंक माइनस वन। देखिए फॉर्मूला भले ही याद ना हो, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पहले
पहले में क्या किया, व्यक्तियों व वस्तुओं के तुलना के आधार पर हमने क्या किया, हमने क्या किया, जो क्वेश्चन ने कहा उसको हमने फॉलो किया, हमारा आंसर आ गया। इसमें क्या क्या किया, हमने कुल संख्या में से एक रैंक घटा दी और उसमें प्लस बंद कर दिया, माइनस बंद कर दिया या प्लस बंद किया, माइनस वन इसमें होता है, इसमें क्या होता है प्लस वन होता है। तो हमने क्या किया, कुल संख्या में से हमने एक रैंक घटा दी और हमारे और प्लस वन कर दिया हमने, तो हमें क्या हो गई, दूसरी रैंक हमें प्राप्त हो गई। इसमें क्या होता है, दोनों रैंकों को जोड़ो और एक घटा दो, आपको कुल संख्या क्लास में मिल जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति की ही दो रैंक दी गई हैं, तो एक एक रैंक तो कम होगी। अब आप ही एक व्यक्ति आप हो, आपकी ऊपर से आठवीं रैंक है और नीचे से 28वीं रैंक है, तो आप व्यक्ति तो एक ही हुए, रैंक आपकी दो हो गई, तो एक तो माइनस होगा ना होगा इसमें, तो इसीलिए एक माइनस करते हैं इसमें। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुल संख्या है, रैंक हमने एक ही निकाली, तो क्या हुआ, अब हमें एक रैंक और निकालनी है, तो एक ही व्यक्ति क्या, हमें एक व्यक्ति की दो रैंक चाहिए, तो एक व्यक्ति को ऐड करोगे आप, ठीक है, तो इसीलिए इसमें ऐड करते हैं और उसमें एक व्यक्ति को घटाते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, पहली रैंक कितनी है 8, दूसरी कितनी है 28 और माइनस 1, तो 8 और 28 कितने हुए 36, और 36 माइनस 1 कितना आ गया 35, तो आपकी रैंक कितनी हो गई 35वीं रैंक हो गई। क्लियर हो गया पूरा, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको। क्या किया हम लोगों ने, पहली रैंक जोड़ी, दूसरी रैंक जोड़ी और उसमें से एक घटा दिया, हमें कक्षा की कुल संख्या हमें ज्ञात हो गई, ठीक है। हट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अब आपको हम पढ़ाते हैं आपका रैंकों के परस्पर आपस में परिवर्तन, इसको मिटा दे, उतार लिया। देखिए, विद्यार्थियों की ये कतार में राजू बाएं से 7वां और मनु दाएं से 12वां है। राजू दाएं से 7वां और मनु दाएं से 12वां है। मनु दाएं से 12वां है। जब ये अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, कर लेते हैं, तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। राजू बाएं से 22वां हो जाता है। राजू बाएं से 22वां हो जाता है। तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल संख्या निकालनी है। फोर टाइम में क्या था, रैंकों का परस्पर आपस में परिवर्तन में क्या हुआ, हमने राजू बाएं से 7वां है, मनु दाएं से 12वां है। अब ये दोनों क्या करते हैं, अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। पहले कितना है राजू बाएं से, हाँ राजू बाएं से 7वां है। अब हमें निकालना क्या है, कुल संख्या कितनी है, तो ध्यान से देखिए, ये रही स्टेप आपका, राजू यहां आ गया, बाएं से कितना है 7वां और मनु दाएं से कितनी है 12वीं। देखिए लेफ्ट साइड चलते हैं तो क्या कहलाता है बायां, और राइट चलते हैं तो क्या कहलाता है दायां।
यहां से चले तो दायां और यहां चले तो बायां। अब कहता है जब आपस में दोनों स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जब आपस में दोनों स्थान क्या कर लेते हैं तो कुल संख्या निकालनी है हमें। तो अब हमने कर लिया क्या, परिवर्तित यहां कर लिया, यानी कि यहां आ गया राजू और यहां आ गया मनु। राजू यहां आ गया और मनु कहां आ गया, यहां पर आ गया। तो अब क्या हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर राजू की बाएं से 12वीं 22वीं रैंक हो जाती है। तो राजू की 22वीं रैंक कहां से, यहां पे बाएं से कितनी रैंक हो गई, 22वीं, किसकी, राजू की, ठीक है। अब मनु यहां आ गया, ठीक है, मनु यहां आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कुल संख्या निकालनी है। आप देखिए बाया हमें यहां से मिल गया, दाया ऑलरेडी दिया गया है, बाया दाया मिल गया और बाया दिया गया है, तो हमें क्या निकालनी है, वह कुल संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दाया प्लस बाया, दाया प्लस बाया माइनस वन, या पहली रैंक प्लस दूसरी रैंक माइनस वन, तो आपको कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो कहां से देखिए, अब हमें एक ही इंसान की लेनी है यहां पर है। जी हाँ, देखिए वैल्यू तो प्लेस तो वही है, सेम नाम ही चेंज हुए हैं, प्लेस तो वही रही। तो अब क्या हुआ, बाएं से 12वां और दाएं से, बाएं से 22वां और दाएं से 12वां, तो 12 और 22 कितने हुए, 12 प्लस 22 कितने हुए 34 और माइनस 1 कितना आ गया 33, तो कुल संख्या कितनी हुई 33। तो कक्षा में कितने बच्चे हैं 33। ये चारों कॉन्सेप्ट के आपके उदाहरण क्लियर हो गए, इस चैप्टर का बेस बन गया पूरा आपका क्रमवार रैंकिंग का। अब इसको विस्तार रूप से, यानी कि अभ्यास के रूप में विस्तार रूप से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, स्टडी कीजिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको वो कमेंट बॉक्स में आप नोट कीजिए और हम उसको और बेहतर देने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। तो और इसकी ऑफलाइन क्लास अगर आपको लेनी है तो आप चाणक्य इंस्टीट्यूट बदायूं में आ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 90 84 57 58 10। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।